इस बार श्रवण मास में शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी। इस पर कई विशेष योग बन रहे हैं। ज्योतिराचार्य राकेश शुक्ला ने बताया कि श्रवण मास की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि की पर्व मानसा जाता है। वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, जिसमें श्रवण और फाल्गुन मास की शिवरात्रि विशेष होती है। इस बार शिवरात्रि का पर्व शुक्रवार को पड़ रहा है, जो कि विशेषताओं को दर्शाता है। कहा कि अर्ध नक्षत्र और सर्वर्थ सिद्धि योग में ये पर्व पढ़ने में भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। कार्य सिद्धि के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का होता है। भगवान शिव को भी ये दिन अधिक प्रिय होता है। दूसरी विशेषता है कि भद्र जल में बाधक नहीं होती। 2 अगस्त को अपराध 3/27 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होने के साथ ही भद्र की भी प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा काल के दौरान कांवड़ का जल अभिषेक करना सर्वथा निषेध माना जाता है, लेकिन मिथुन राशि की भद्रा होने से स्वर्ग लोक में निवास होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वर्ग भद्रा शुभ कार्यक्रम 2 अगस्त 2024 को चतुर्थी तिथि का प्रारंभ दोपहर 3:27 से होगा और अगले दिन 2024 की दोपहर 3:50 तक समाप्त होगा। रात्रि व्यापिनी चतुर्थी तिथि से दृष्टिदि 2 से 3 अगस्त को जलाभिषेक होगा। ज्योतिराचार्य विभोर इंसुस्त के अनुसार इस बार श्रवण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 अगस्त से लेकर दोपहर 3:26 से 3 अगस्त को दोपहर 3:25 तक रहेगी, लेकिन रात्रि काल में चतुर्थी केवल 2 अगस्त को ही उपस्थिति रहेगी और त्रयोदशी और चतुर्दशी की संधि में भी 2 अगस्त को ही होगी। इसलिए इस बार श्रवण शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त शुक्रवार के दिन ही मनाया जा सकता है। ज्योतिराचार्य विभोर इंदुस्त ने अनुसार वैसे तो 2 अगस्त शिवरात्रि को सुबह से ही जलाभिषेक शुरू हो जाएगा, लेकिन विशेष रूप से दोपहर 3:26 पर त्रयोदशी और चतुर्दशी की संधि होगी और ये शिवरात्रि का वास्तविक पुण्यकाल और जलाभिषेक का श्रेष्ठ समय माना जाता है। वहीं श्री लक्ष्मी ज्योतिष केंद्र के ज्योतिष अन्वेषक अमित गुप्ता ने बताया कि भगवान शिव को समर्पित सावन मास की शिवरात्रि का बहुत महत्व है। 2 अगस्त को सुबह त्रयोदशी तिथि रहेगी, जो दोपहर के 3:26 तक रहेगी और 3:26 से चतुर्दशी तिथि लगेगी। ज्योतिराचार्य रुचि कपूर ने बताया कि 2 अगस्त को शिवरात्रि सर्वसिद्धि योग बनेगा। उस दिन ये योग सुबह 10:59 से शुरू होगा और देर रात 12:39 तक रहेगा। भगवान शिव का जलाभिषेक करने की विधि। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर पंचामृत से रुद्र अभिषेक करें और इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर आप धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाएं और शिव चालीसा का पाठ करें और आखिर में आरती कर पूजा संपन्न करें। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।